नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। लुटेरी दुल्हन के कई कारनामे आपके सामने आए होंगे, जहां शादी के रिश्ते में बंधने के बाद दुल्हन कैश और ज्वेलरी लेकर चपत हो जाती है। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि ऐसी लुटेरी दुल्हन जिसके रिश्तेदार और बाराती भी मिलकर रचाते हैं लूट की साजिश और भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा कर देते हैं वारदात को अंजाम। जी हाँ, एक ऐसी लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है उधम सिंह नगर में, जहां गदरपुरी की रहने वाली शादीशुदा महिला पैसे कमाने के लिए कई बार बन जाती है दुल्हन और फिर हो जाती है फरार। लुटेरी दुल्हन के अनोखे कारनामे का बेहद ही रोचक खुलासा जिले के कप्तान डी मंजुनाथ टीसी ने किया है। दरअसल गदरपुर के रहने वाले एक परिवार सदस्यों का गिरोह लूट की वारदात के लिए अन्य राज्यों में जाकर पूरा षड्यंत्र रचाता है और फिर पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह की रस्म अदायगी भी की जाती है, जिसके बाद दुल्हन विवाह के कुछ दिन बाद ही चकमा देकर फरार हो जाती है और ठगा रह जाता है नया नवेला दुल्हा। लेकिन इस बार लुटेरी दुल्हन का ये दाव कुछ उल्टा पड़ गया और ठगा गया दुल्हा अपनी इस बदनामी को बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसके चलते राजस्थान के झुंझुनू का ये दुल्हा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पहुंचा और पुलिस से फरियाद लगाई कि पैसे और गहने लेकर उसकी दुल्हन फरार हुई है। लेकिन जिन खातों में उसके नगदी ट्रांसफर कराए हैं उसी जिले का होना बताया जा रहा है, जिसके आधार पर पुलिस को मिली लीड से पुलिस ने पूरे गिरोह को अपने शिकंजे में ले लिया है। जिनसे जानकारी के बाद पता चला है कि पहले शादीशुदा ये दुल्हन अपने पति और अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर ही विवाह का पूरा खेल रचाते थे और फिर कोई रिश्तेदार बनकर तो कोई बाराती बनकर दुल्हन के विवाह को रचाते थे। वहीं पूरा परिवार मिलकर षड्यंत्र में शामिल होकर लूट का खेल रचाकर लोगों को लूटने का काम करते थे, जिनके द्वारा अन्य और भी ऐसे मामले किए जाने की बात सामने आई है। वहीं पुलिस का कहना है कि लुटेरी दुल्हन और उसके पति और रिश्तेदारों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है, जल्द ही अन्य राज्यों में भी इनके द्वारा इस तरह का कारनामा किए जाने का मामला अन्य भी सामने आ सकता है। वहीं इस पूरे खुलासे में लगी काशीपुर पुलिस की सराहना करते हुए SSP ने 5,000 देने की घोषणा की है। रजिस्ट्री भी हुई है, रजिस्टर भी हुआ है शादी, और नोटरी भी बना है, और उसके बाद जो है 25 तारीख को रात को भाग जाते हैं। तो इस प्रकार की ये जो 420 लुटेरी दुल्हन का गैंग है, इसका पर्दाफाश किया है। ये एक जटिल इन्वेस्टिगेशन जरूर था, लेकिन प्रोफेशनल पुलिसिंग को दिखाता है। ये ITI का पुलिस, विशेष रूप से हमारा चौकी इंचार्ज पैगा विजय और उसकी पूरी टीम, जिसमें हमारा टमक्याल है, कुलदीप है, और कौन है कॉन्स्टेबल, जितेंद्र है, इन सब लोगों ने बहुत मेहनत किया ये सब, मतलब इन्वेस्टिगेशन में और बाहर जाके पूछताछ करने में। इंस्पेक्टर आशुतोष है हमारा, CO काशीपुर, नवनियुक्त CO काशीपुर है वंदना चंद्रमोहन, इनकी सुपरविजन में हुआ है, बहुत अच्छी लीडरशिप है। तो प्रोफेशनल काम करते हुए इस पूरे गैंग का हमने पर्दाफाश किया है। हम आपके जरिए ये भी अपील करते हैं कि इनकी फ़ोटोज़ हम बाद में सर्कुलेट करेंगे, नॉर्मल फ़ोटोज, सिंपल फ़ोटोज़, तो बाद में आप थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे आप, तो हो सकता है और भी जो पीड़ित है राजस्थान हरियाणा के, जो ठगी के शिकार बने हुए, वो आपके सामने आ सकता है। कुल मिला के ये शादी रचाना में 1,80,000 से अधिक खर्चा उस परिवार को आई है, उसके अलावा 1,50,000 रुपये कैश और ज्वेलरी भी लेके भागी है। अब भाई हमारे सामने तो ये बोल रही है सिमरन जो है, सुहानी जो है, बोल रही है कि भाई कैश नहीं है करके। जो लड़की का ओरिजिनल नाम सुहानी है, मूल रूप से लड़की का ओरिजिनल नाम सुहानी है, सुहानी का फादर का नाम चोखेलाल है, जिंदा है, वो भी जिंदा है, अनाथ बोली थी, और ID कार्ड भी गोलर बोझ का बनाई ही, रिया नाम का ID कार्ड बनाई है, 420-17-67-68 का मुलजिम तो वैसे ही बन गई है, ठीक है। मम्मी के अकाउंट में पैसा भी आया है राजस्थान से, और मजे की बात यह है कि इसका ऑलरेडी शादी है, जो इसका खुद का पति है इसने भी आगे ये काम करा है 420 का। ये एक बहुत बड़ी गिरोह है, मतलब बाहर के लोगों को व्यवस्थित रूप से, संगठित रूप से ठगी करते हैं, ये बिल्कुल गैंगस्टर की परिधि में आता है। आर्थिक क्राइम कर रहे हैं, गैंग बनाए हुए हैं और लोगों को आर्थिक अपराध कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही ऐसा हरकत कर रहे हैं जिससे हमारे राज्य का, हमारे जिले का और हमारे प्रदेश का छवि बहुत खराब हो रही है। ये लुटेरी दुल्हन बनने के आधार से, मतलब शादी जैसा एक महत्वपूर्ण संस्था है, मतलब जिसपे ऊपर सबके आस्था रची हुई है, उस पर भी अब मतलब वो लगने लगे, प्रश्न चिन्ह उठने लगने। तो इस प्रकार की कार्रवाई को मैं बहुत तारीफ करता हूँ। मैं टीम को 5,000 रुपये इनाम भी देता हूँ और मैं ये निर्देश भी दे रहा हूँ कि इनके विरुद्ध और भी क्रिमिनल हिस्ट्री का टटोले और कड़ी से कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई जो भी अमल में लाई जा सकती है हम लाएंगे। मैं आपके जरिए पुनः आपके अनुरोध करूँगा कि और भी ऐसे घटनाएं को, मतलब जो पीड़ित होते हैं उनका तक पहुंच जाए, और इस मैसेज के जरिए और भी पीड़ित आएंगे, कई लोग और हो सकते हैं जो इनके थ्रू ठगे हो, तो उन सबको सामने आते हैं तो और भी हम FIR लिखेंगे।